अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग सुमी की लाइफ। सो गाइस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चलिए व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और बहुत डेज हो गए हैं मैंने ना व्लॉग कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा था, बट गाइस ये व्लॉग में बहुत कुछ है, ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। और जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कुछ मिलेगा देखने को जिसको पता नहीं है, और जो इग्नोर करिए जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। सो गाइस चलिए व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। सो गाइस, जब मैं शूट कर रही थी तब मुझे ना मेरे कज़िन की शादी में जाना था, और वो मुझसे एक साल छोटी है गाइस, और उसकी शादी में जा रही थी मैं। तो मैं ना ये वाला बुरखा आउटफिट तो मैं पहनूंगी नहीं, जैसे कि मैंने कहा था गाइस, मैं आजकल ना हिजाब में ही रह रही हूँ मोस्ट ऑफ द फंक्शंस। तो मैं यही ये जो न्यू है मेरा अभाया वो पहनी थी मैं उस दिन। तो गाइज उसके लिए ना ये वाला हिजाब था और ये वाला स्टोल पहना था मैंने, और जो ये वॉच है वो सब यही चीज़ें पहनी थी। और फंक्शन अटेंड करी फिर आ गई, फिर गाइज उसके बाद ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और मेरे एग्ज़ाम्स थे सर पे और फाइनल सेमिस्टर है, मेरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा गाइज। और पता है गाइस, देखते ही देखते पता भी नहीं चल रहा 2 ईयर्स किधर निकल गए हैं। पहले SSC हुआ, फिर इंटर हुआ, फिर डिग्री हुआ, उसके बाद ये 2 ईयर्स BEd के पता ही नहीं चले। यूँ आँख बंद करो और आँख खोलो, ख़त्म, अपनी इमेजिनेशन लाइफ में आ गए। फिर गाइस उसके बाद मैं क्या करी थी, पूरन पोली बनाई थी। अम्मी मुझे सब वो बैटर वेटर डाल के दे रहे थे और मैं इसको क्या करी, सेक रही थी। और एक्चुअली गाइस इसी तरह से सेकती हूँ मैं, और इसमें ना ऑयल की जगह पे मैं घी लगाती हूँ तो इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा निखर के आता है। I mean, बहुत अच्छा टेस्ट आता है घी के साथ। और गाइस पता है अब मैं ये सब चीज़ें खा रही हूँ, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं मेरे, पर वो बोलते हैं ना कुछ असर नहीं है किसी चीज़ में। तो गाइस क्या करने का, ये सब डाइट वाइट मुझसे नहीं होगा, मैं तो करना ही छोड़ दी हूँ, डाइट करती हूँ सिर्फ 2 दिन तक ही। फिर गाइस बैक टू द वर्क, उसके बाद मुझे जब जब टाइम मिल रहा था गाइस मैं अपने रिकॉर्ड्स लेके बैठ जा रही थी। और क्योंकि इतना ज़्यादा पेंडिंग वर्क हो गया ना मुझे पिछले कुछ 2.5 मंथ से, मैंने है ना रिकॉर्ड्स क्यों और कॉलेज की सूरत भी नहीं देखी, ये सबको पता है गाइस। फिर गाइस उसके नेक्स्ट डे घर में छोले भटूरे बन रहे थे, और ये मैं क्लिप ना शेयर करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करी, मैं आगे किचन में और मैंने शूट किया जब जब टाइम मिला है, जब थोड़ा बहुत शूट करके रख रही हूँ ताकि सब एक साथ आपको बता दूंगी जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। और गाइस स्पेशली उस दिन ना जो मेरा मूड था बहुत ही ऑफ था और फूड क्रेविंग होती है, और अम्मी ने मेरी फरमाइश पे मेरे लिए ये बनाया था, और वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस टाइम थोड़ी देर के लिए एग्ज़ाम्स को गोली मारते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, बिकॉज आई एम अ फूडी लवर, जहाँ फूड रहता है वहाँ मैं रहती हूँ। सो इट्स कॉमन यार, इट्स कॉमन गाइस, होता है ऐसा सबके साथ। और मैं नाराज रहूँ, अपसेट रहूँ या क्या भी रहूँ, तब मैं बाद में कुछ पल का गुस्सा फिर बाद में खा लेती हूँ। फिर गाइस इसके बाद बैक टू द स्टडी। अब गाइस ऐसा हो रहा था ना, 1 डे बिफोर स्टडीज कर रही थी गाइस, कैसी सिचुएशन आ गई है मेरी इस टाइम, और लास्ट सेमिस्टर चल रहा है गाइस फाइनल ईयर का, और उसमें भी मुझे अब नोट्स बनाने टाइम मिल रहा है गाइस, अब नोट्स बना रही हूँ, एग्जाम है नेक्स्ट डे। फिर गाइस उसके बाद मैं ही रेडी हो गई, और फर्स्ट पेपर देना था मुझे अपना फाइनल सेम का, और थोड़ी थोड़ी इतनी नर्वसनेस हो रही थी, पिछले कुछ सेमिस्टर में मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ गाइस। यही टाइम है जो इतना कुछ तो पढ़ी नहीं एक तो, और ऊपर से जो भी है दिमाग खोल के पेपर में डाल के आऊँगी। और एक्चुअली एक वर्ड आता है पेपर काले करके आना, वैसा ही कुछ सिचुएशन हो गई थी गाइस। मैं ही ऐसी हूँ या दूसरे भी हैं मुझे नहीं पता उस टाइम, बट अल्हम्दुलिल्लाह गाइस पेपर तो हो गए। ये रास्ते में थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया है गाइस, अब फिर से ये जगह वापस से देखना नहीं है, जो कुछ भी है ये 2 साल की पूरी मेमोरीज।
बट गाइस एक चीज़ तो है, जो पहले बिफोर एंड आफ्टर की जो सिचुएशन थी, 2 साल पहले अलग थी मैं और 2 साल बाद मैं अलग हो गई हूँ। कुछ चेंजेस आते हैं इंसान में, और ये जो चेंजेस थे ना गाइस अच्छे के लिए थे। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम। फिर गाइस एग्ज़ाम अच्छे से दे दी, फिर घर आई। घर आने के बाद में मुझे है ना चाय पीना था गाइस, और उसके साथ मैं ओट्स भी खाई। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, चाय प्लस ओट्स। फिर गाइज उसके बाद मैं अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लग गई थी, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। और गाइज मैं क्या कर रही थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि जो मेटा AI, उसकी हेल्प से मैंने नोट्स बनाए हैं। फिर गाइज उसके बाद नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे है ना अम्मी ना नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहे थे और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे जो गोभी है इसको है ना पानी में ऐसे ही बॉईल करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी जर्म्स वगैरह जो रहते हैं वो निकल जाते हैं। और उसके बाद गाइस जो कुछ भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स रखते हैं वो उसको हमने इस तरह से यहाँ पे रख दी। और मैं सोचा कि मैगी मसाला भी इस बार डालते हैं इसमें, इसका टेस्ट देखते हैं, बहुत अच्छा आएगा। और ये जो चीज़ें थे वेजीज वो भी उसमें थोड़े बहुत डाल दिए। फिर इसको बॉईल किया, और उसके बाद बस तड़का लगाने की बारी थी। और उसके बाद झटपट से आपके नूडल्स बन जाते हैं गाइस। और जब जब बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो क्रेविंग्स हो रही ही है गाइस, सबको हो रही है। मैं तो फूडी हूँ, मुझे तो बहुत सारी क्रेविंग होती है फूड की। जब मैं घर में रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बिजी रहती हूँ तो मैं पानी भी नहीं पीती। बट अब फ्री हूँ तो इसलिए, और एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन चल रही है ना, तो एग्ज़ाम्स जब जब पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। और अम्मी भी ना मुझे ड्राई फ्रूट्स ये कुछ ना कुछ जूसेस वगैरह देते ही रहते हैं हर 1 आवर के बाद। तो इस तरह से फिर गाइस मेरा अगला पेपर था, अगला पेपर की तैयारी चल रही थी, वो तो हो गया। उसके बाद हम लोग जा रहे थे गाइस, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। और बारिश की टेंशन ऊपर से और एग्ज़ाम की टेंशन, ऐसी सिचुएशन में ऑटो में भी पढ़ रहे थे सब। फिर गाइस उसके बाद थोड़ा गैप था लास्ट एग्ज़ाम को, और उसके बाद जो सब में बड़ी जो टेंशन थी ना गाइस वो ये थी, प्रैक्टिकल्स की टेंशन। और मेरे रिकॉर्ड्स अभी भी इनकम्प्लीट है गाइस, कैसे होगा, कैसे मैनेज करूँगी। और ये चिट्स देख के ऐसा मत समझिए कि चार्ज चिट्टी चल रही है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ये TLM है गाइस। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है BEd के स्टूडेंट्स, जो जो मेरे फ्रेंड्स जिसको पता है, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो ही समझ सकते हैं गाइस। और उसके बाद गाइस जो मुझे प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो नहीं थे मेरे पास, तो मैं वो लेने के लिए जा रही थी मार्केट साइड। और एंड मोमेंट में मुझे याद आता है गाइस सब कुछ देखो ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब मैं क्या करूं। सो गाइस चीज़ें तो मैं ला ली, जब मैं घर आई तब मैं देख रही थी कि यहाँ पे पूरी तले जा रही थी। और मैं लग गई अम्मी की हेल्प के लिए। बस ये एक चीज़ होती है जो मुझे तलन बुलन जो है वो बहुत अच्छे से आता है, और मैं वो बच्चे बहुत अच्छे से करती भी हूँ। और तलने में ना मैं फर्स्ट क्लास हूँ गाइस, ये तो मैं गारंटी देती हूँ। दूसरे चीज़ों में भी हूँ, बट जो चीज़ें तले जाती है ना मैं वो कच्चे पक्के नहीं तलती हूँ, और अम्मी बहुत खुश होती है। फिर गाइज उसके बाद मैं और बैठ गई लास्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ऐसी टेंशन हो रही थी। और गाइज इसके तो पेजेस अब खोल रही हूँ मैं, और थोड़ा बहुत मैंने क्या किया गाइज, प्रिपेयर होके रखी थी इसको साइड में, और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। और ऊपर से गाइज ये जो मेरे बुक्स वगैरह है सब बेड पे इसी तरह से है, पिछले कुछ 3-4 मंथ से इसी तरह से पसारों के साथ रह रही हूँ मैं इस रूम में। और मुझे है ना ख्वाब भी ऐसे पड़ रहे हैं ना, बुक्स कोई मेरे पीछे भाग रहे बुक ले लेके, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं कचरा रख ले रही हूँ ना गाइस। अब जैसा लास्ट एग्ज़ाम होगा सब चीज़ मैं इसको अलग ही रख दूँगी, एक टेंशन चले जाएगी गाइस। और यहाँ पे मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, उस टाइम भी दो दो एक साथ एक्टिविटी हो रही थी गाइस मेरे, एक तो मेरा पढ़ना भी हो रहा था और ऊपर से ये शॉर्ट्स वगैरह जो भी है अपलोड शूट करना और अपलोड करना उसको। फिर गाइस मैं रेडी हो गई हूँ फाइनली लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट सेमेस्टर का। ओ माय गॉड अब ख़त्म, उसके बाद गाइस गैप लूँगी, कुछ नहीं पढ़ूँगी। बहुत गाइस 17 ईयर्स हो गए हैं गाइस एजुकेशन को अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह, अब बस गाइस उसके बाद नहीं होगा अब मुझसे। फिर गाइस चलते हैं लास्ट एग्जाम को लिख के आ जाऊंगी, उसके बाद और एक एक प्रेशर जो सर पे है
एक्चुअली गाइज ये जो मंथ था ये मंथ पूरा ही बिजी में गया है गाइज, सभी का, मेरा ही नहीं सबका। फिर गाइज मैं तो इसी तरह से देख रही थी कहीं बारिश ना हो, क्योंकि गाइज उस दिन इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी गाइज, टेंशन हो गई थी हम लोग को। फिर गाइज एग्ज़ाम लिख के रिटर्न आ रहे थे तब हमें दिख गया बुट्टा और मौसम चल रहा है बारिश का, और हमने सब एक 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 स्वीट कॉर्न हाथ में लिया और उसको खाने लग गए, कोई मिर्ची के साथ तो कोई लेमन के साथ। फिर गाइस हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, और मेरा जो दुपट्टा है कहीं और जा रहा था और मैं कहीं और जा रही थी, और गाइस जो ऑटो वाले भैया थे वो इतना स्पीड में चला रहे थे, ऐसा दिख रहा था कि वो ऑटो नहीं एरोप्लेन चला रहे थे। फिर गाइस ये देखिए मेरे बेड का पसारा जो इस तरह से रह रहा है, और मैं मॉडल और पोर्ट्रेट भी बना रही थी ना गाइस, उस बीच तो कुछ इस तरह से ही बेड था, और मेरी दीदी मुझे इतना गुस्सा कर रहे थे क्योंकि बार बार वही झाड़ रहे थे, रूम को क्लीन कर रहे थे। तो गाइस कुछ इस तरह से सिचुएशन थी, ये भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी गाइस, डोंट वरी। और गाइस ये थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया है, जो पूरा व्लॉग है आपको नेक्स्ट व्लॉग में मालूम होगा। और गाइस मेरी तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो आवाज़ है वो चली ही जाएगी, क्योंकि जो गला है वो पूरी तरह से बैठ गया था, और उसमें मैं कैसा एडिटिंग करती कैसा शूट करती। तो उस पल मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, जो जो पेंडिंग वर्क है वो कर रही थी, फिर रुक रही थी, कर रही थी फिर रुक रही थी। तो कुछ इस तरह से गाइस सिचुएशन होती है, और देखिए गाइस किस तरह से पसारा है, ये मेरा बेड जो है वो मेसी मेसी सा लग रहा है। अब ये सब भी चीज़ें चले जाएगी गाइस फाइनली, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया है गाइस। लास्ट लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और है गाइस पता है जो फोटोग्राफ्स मैं निकाल के रखी थी 2 मंथ्स पहले, अब मुझे ही आइडेंटिफाई करने इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन सा पीरियड प्लान के कौन से TLM है। ये लो गाइस कैसी सिचुएशन है, और ऊपर से गाइस इतने सारे रिकॉर्ड से कोसी करके मैं पहले रखी थी और कोसी अब करूँगी वो मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। फिर गाइस नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल था जो कॉलेज में देना है, उसके बाद और एक प्रैक्टिकल रहेगा, और मेरी तो हेल्थ बहुत ख़राब थी उस टाइम। सिक डे जो कहते हैं ना, वो परफेक्टली सिक डे था गाइस उस दिन मेरा। और गाइस दिल पे पत्थर रख के लोग मेकअप करते हैं, और मैं यहाँ पे बेड से उठ रही थी क्योंकि उस टाइम ना मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी, कोल्ड हो गया था सब कुछ। और गाइस एग्ज़ाम है, लास्ट है, लिखना तो पड़ेगा। अब इतना एजुकेशन को दिए 17 ईयर्स, अब लास्ट एग्ज़ाम में क्या आ गया। और गाइस नई तालीम जो था वो बहुत अच्छी नई तालीम थी गाइस, उसके चक्कर में पता नहीं। फिर गाइस अम्मी ने मुझे साबूदाना दिया, फिर उसके बाद खाना भी खाना पड़ा मुझे, और ऐसा हो गया था ना गाइस, और मेरी जो आवाज़ वो निकल ही नहीं रही थी गले में से। फिर मैं जल्दी जल्दी से पी ली इसको और रेडी हो गई कॉलेज के लिए। फिर गाइस इतने दिनों बाद आई ये रास्ते में, ऐसा लग रहा था कि कहीं जंगल में ना आ गई हूँ, बट ये जंगल नहीं है गाइस, ये रोड है जहाँ से मुझे बस पकड़नी होती है, जो मैं पकड़ती हूँ ना गाइस बस, वो इस तरह से। बहुत डेज हो गए गाइस, 3-4 मंथ्स तो कॉलेज की गलियाँ ही भूल गई हूँ, मैं कॉलेज ही भूल गई हूँ, ऐसा हो गया था। बिजी थी ना गाइस, किसी और चीज़ में बिजी थी। फिर गाइस मैं बैठ गई हूँ बस, मैं ऐसे लग रही हूँ कि कहीं थायरे वाली तो नहीं हूँ, नहीं थायरे वाली नहीं हूँ, अब परफेक्ट है। ये देखिए गाइस मैं अच्छे से बैठ गई थी, और बस मेरी किस्मत देखिए गाइस उस टाइम में खाली खाली सा था, क्योंकि टाइमिंग जो चेंज थी, सुबह जाना नहीं पड़ा, आराम से 10 बजे के बाद था प्रैक्टिकल। फिर गई थोड़ा बहुत शूट कर ली मैं भी, आसपास के जो भी लोग थे, मतलब हमारे पड़ोसियाँ, आई मीन नॉट पड़ोसी, पैसेंजर्स। फिर गाइस उसके बाद और थोड़ा व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए विंडो के बाहर का नज़ारा, अब इसको कभी नहीं देखने को मिलेगा, टाटा बाय बाय कर दूंगी मैं। फिर गाइस ये है मेरा कॉलेज, आ गई हूँ कॉलेज, अब जाते हैं जल्दी से प्रैक्टिकल देते हैं, वाइवा देते हैं, फिर वापस आते हैं। और गाइस इतने डेज के बाद, इतने मंथ्स के बाद कॉलेज को ही, तो कुछ कुछ इस तरह से चेंज हो गया कॉलेज ही। बट गाइस गार्डन बनाने का इरादा था सर का, तो और ऑलमोस्ट उन्होंने वैसे ही किया है,
और रोजेस भी लगाए हैं यहाँ पे, और अच्छा दिख रहा है गाइस ये ग्राउंड। वाव, एक झूले की कमी है, वो भी शायद इंशाल्लाह सर अगर अब मेरा व्लॉग देख रहे तो वो ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, जो हमारे जूनियर्स आएंगे उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ओके, लीव दिस टॉपिक। फिर गाइस उसके बाद अंदर गई हूँ और अंदर जाके देखती हूँ नज़ारा क्या है, कैसा है। फिर गाइस मैं आ गई हूँ क्लासरूम में। अब यहाँ एक्चुअली गाइस जो फर्स्ट वाले जो बैच था उन लोग का भी हुआ नहीं वाइवा, उसके बाद हम लोग की बारी आएगी एग्ज़ाम लिखने की। और गाइस ये है पेपर, अब जल्दी से इसको काला करते हैं, आई मीन लिखते हैं। फिर गाइस ये जो प्रैक्टिकल था ये अच्छे से हो गया है, इसको लिख दे। इसमें भी गाइस क्या हुआ पता है, सारा ओन से ही लिखना पड़ा मुझे। जो पीरियड प्लान था जो मैं जीरोक्स करके लेके गई वो तो लिखना ही नहीं था, जो हमारा जो मेथड था हमें उसका लिखना था। ये बाद में मालूम होता है, एंड मोमेंट में सब चीज़ें मालूम होती है गाइस, देखो इस तरह से। फिर गाइस प्रैक्टिकल तो अच्छे से हो गया है, अब घर को जाऊंगी और थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि बॉडी नीड सम रेस्ट गाइस। उसके बाद गाइस फाइनल 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 टीपी होगी, उसके बाद ख़त्म बीएड का कंधा, अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी मिलेगा।